हाय गाइस, दिस इज़ डांस फ्रॉम फिर लाइफ और आज हम बात करने वाले हैं डिबिस लैब्स की। तो ये एक कंपनी है जो काफ़ी इंक्रीज़ करी है और काफ़ी पॉपुलर हो गई ओवर द लास्ट 1 to 2 ईयर्स। तो अगर डिविस लैब्स की बात करी जाए तो दिस इज़ अ फार्मास्यूटिकल फर्म जो पर्टिकुलरली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, जो सारी अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को काम में आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेडिसन्स। तो अगर डिविस लैब्स की बात करी जाए तो डिविस लैब्स 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। असेट्स कंपनी में 6,780 करोड़ के हैं, डेट 200 करोड़ का है। तो ओवरऑल डेट फ्री है कंपनी, कोई इतना एज़ कम्पेयर टू असेट्स बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी का बुक वैल्यू है अभी 223 रुपीज़ का। तो अगर आप पूरी कंपनी को सेल ऑफ करेंगे तो आपको 223 रुपीज़ पर शेयर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कंपनी की सेल्स देखें तो 2014 से 2018 में कंपनी की सेल्स 2532 करोड़ से इंक्रीज़ करके 3,891 करोड़ की हो गई है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो 700 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है 2014 में इसने अपने 2,500 के टर्नओवर पे, और 2018 में इसने 877 करोड़ का टर्नओवर कमाया है और प्रॉफिट कमाया सॉरी ऑन ए टर्नओवर ऑफ 3,891। अगर प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यूजुअली 30% तक रहता है, 25 से 30% तक रहता है, विच इज़ प्रिटी प्रिटी हाई फॉर एनी कंपनी। तो 30% ये प्रॉफिट कमाती है अपने टर्नओवर का, विच इज़ ग्रेट। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करी जाए तो प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। दो अर्निंग पर शेयर की भी ग्रोथ अगर देखें तो 4 ही% के आसपास है, जो 2014 में 27.43 की थी और जो इंक्रीज़ करके 2018 में अर्निंग पर शेयर 33.04 की हो गई है। तो ओवरऑल इंक्रीज़ करी है लेकिन बहुत कम रेट से इंक्रीज़ कर रही है। इसी के साथ ही अगर सेम प्रोजेक्टेड ग्रोथ लें तो 4% के रेट से, 4.5% के रेट से अगर इसकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ करते हैं तो 2023 में 41.69 की इसकी नई अर्निंग पर शेयर आती है हमारी। पी बैंड यूजली ये ट्रेड करता है बिटवीन अ पी ऑफ 16.77 एंड 31.78। तो इस बैंड के बीच में अगर देखें तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस इसके लोएस्ट और हाइएस्ट पी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूचर के अर्निंग पर शेयर से, तो आपका नया प्राइसेस जो हमारे निकल के आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम फ्यूचर प्राइसेस, वो ये आते हैं कि 700 और 1324 के बीच में कहीं ना कहीं ये स्टॉक ट्रेड करना चाहिए एट द करेंट ग्रोथ रेट। उस हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी 1520 के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है अभी डिविस लैब्स। और इस प्राइस पे आप बिल्कुल जंप करने का ना सोचें इसको फॉर अ शॉर्ट टर्म और मे बी अ लॉन्ग टर्म, कभी भी करेक्शन आ सकता है। काफ़ी वोलेटाइल रही है कंपनी बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ एंड फैक्टर्स ऑल्सो ओवर द लास्ट 1 ईयर। अगर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करी जाए तो मुरली के डिवी इनका मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है। ऑडिटर्स इनके हैं PVRN नागेश्वर राव। और अगर कंपनी में होल्डिंग देखें बाहर की कंपनियों की, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स की, तो 34% होल्डिंग है, विच इज़ प्रिटी डिसेंट। और मेरे को ये लगता है कि ये कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शायद प्रॉफिट बुकिंग भी करें इस प्राइसेस पर, क्योंकि 1520 रुपये का काफ़ी अच्छा रेट है स्टॉक का और वैल्यू बाय नहीं लगती है ये इस प्राइस पे। डिविडेंड देखें तो 0.66% का डिविडेंड है, तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी नहीं पे करती। 2015 में कंपनी का एक बोनस भी आया था तो शेयर को नीचे रखती है और लिक्विडिटी मेंटेन करके रखती है कंपनी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन प्राइस ही बस इसका काफ़ी ओवर वैल्यूड लगता है एट द करेंट लेवल। सो दैट्स अबाउट इट फॉर डिविस लैब्स। हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत फ्रॉम फिर लाइफ। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। हम रेगुलरली आपकी मंडे टू फ्राइडे ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई भी वीडियोस हैं जो आप बनवाना चाहते हैं या फिर कोई स्टॉक्स हैं तो हमको बताइए, हमको बहुत अच्छा लगता है वो वीडियोस बनाने में और हमको भी नए नए स्टॉक्स के बारे में पता चलता है। तो रेगुलरली हमको ऐसे अपडेट्स देते रहिए कमेंट्स में, जो भी आपको दिल खोल के कमेंट करिए, जो भी आप बताना चाहते हैं हमको हमारी वीडियोस के बारे में। प्लस अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे कि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जो है वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कभी भी हमारी रेगुलर वीडियो आएगी जो भी, तो आपको एक उसका पॉपअप आ जाएगा कि इनकी नई वीडियो अपलोड हुई है, जिससे कि आप आराम से उसको देख सकें। इसी के साथ ही डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको हेल्पफुल रहेगा और आप डिस्क्रिप्शन में अपना फिलअप भी कर सकते हैं अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो हमारे पास कोई एक टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है एडवाइजरी में और इन द सेंस कि आपको कुछ गाइड कर सकती है बेसिक, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, तो आपको कोई टेंशन लेने की उसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो।